हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 35 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो अपने मोबाइल फ़ोन की हैंगिंग प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करेंगे? मोबाइल फ़ोन के साइड में ना पावर बटन होता है, पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिल जाएगा। रीस्टार्ट पे आपको टैप कर देना, इससे क्या होगा आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। ठीक है ना, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कॉलिंग की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है ना, एक बार इसे रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स को रीसेट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी ऐप जो है ना आप उंगली से दबा के रखेंगे तो एक पेज ओपन होगा छोटा सा, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे टैप करना है। तो इसके अंदर आपको है ना ऑप्शन मिलता है स्टोरेज एंड कैच का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। पहले आपको इसे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपको नीचे की साइड कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप कर देना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अब दोस्तों इस तरीके से आपको जो है ना सारे ऐप्स को आपको रीसेट करना है। और ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं ना जिनका आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, उन सभी ऐप्स को आपको अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देना, हटा देना है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमारे मोबाइल फोन का सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं चल पाता है, और जिस कारण क्या होता है सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लग जाती है। ठीक है ना, तो मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट है यानी आप कैसे चेक करेंगे? देखिए, इसके लिए आपको इंटरनेट सबसे पहले तो चालू करना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है अपडेट होने लग जाएगा। सिस्टम को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आधा घंटा मैक्सिमम लग सकता है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने देना है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन की हैंगिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है ना इन सभी ऐप्स को आप अपडेट कर लीजिए, अपने प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिए। जिस ऐप का अपडेट आया होगा उसे अपडेट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको एक और काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं ना इन सभी ऐप्स के आपको नोटिफिकेशन बंद कर देने हैं। ठीक है ना, देखिए आपको कैसे करना है नोटिफिकेशन बंद सभी ऐप्स को। आप एक एक करके ना किसी भी ऐप को उंगली से दबा के रखेंगे तो एक छोटा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो या सर्कल में आई बटन टैप करना है, तो आपका ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको उस ऐप का ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशन पर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको ऑल नोटिफिकेशन के सामने वाला बटन अगर आपका चालू हुआ इस तरीके से ब्लू कलर में तो इसे ब्लैक कलर में ऑफ कर देना है। ठीक है ना, सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन आपको बंद कर देना है, सिर्फ उन्हीं ऐप्स के नोटिफिकेशन आपको चालू रखने हैं जिन ऐप्स के नोटिफिकेशन आपको ज़रूरत होती है। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको रिसीव नहीं होंगे, नोटिफिकेशन सिर्फ जो है स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप जो है ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन आपको बंद कर देना है। ठीक है ना, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला काम करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होंगे जिनके अंदर हिस्ट्री का सेटिंग होती है, हिस्ट्री होती है। ठीक है ना, जैसे क्रोम के अंदर होती है, तो जिस ऐप के अंदर हिस्ट्री की सेटिंग है उन आपको जो है हिस्ट्री को क्लियर कर देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है ना,